आज के इस वीडियो में जानेंगे माननीय विधायक जी शिवचंद शर्मा जी से जो मुलाकात हुई है माननीय विधायक जी और माननीय मुख्यमंत्री जी की, उस पर उन्हें चर्चा की है। जानते हैं क्या कुछ बात हुई उनके मुखारविंद से। नमस्कार, आप देख रहे हैं अंतुशक न्यूज, जो आपके संघर्ष का सच्चा साथी। आइए जानते हैं माननीय विधायक जी क्या कहते हैं। का विषय हो, अनुदेशकों का विषय हो, चाहे हमारे विषय विशेषज्ञों का विषय हो, चाहे हमारे शिक्षा मित्र भाइयों का विषय हो, तदर शिक्षकों का विषय हो, इन सब के विषय पर हम सब लोग बात कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से। और माननीय मुख्यमंत्री जी भी सहृदयता से इस पर विचार कर रहे हैं। अधिकारियों को बार बार कह रहे हैं, निर्देश देते रहे कि इनके समाधान निकाल कर लाइए, समाधान बनाकर लाइए। मैं यही तो कह रहा हूँ कि हमें पुल का काम हम कर रहे हैं और हम चाहेंगे कि अच्छे सौहार्दपूर्ण माहौल में, जो टकराव की स्थितियां पीछे रही हैं जिसके कारण से 4-5 साल बिगड़ गए शिक्षा मित्रों के, 2017 में 10,000 मानदेय हुआ, उसके बाद से अब 24 आ गई, तो ये जो 7 साल बिगड़े हैं इसमें 2 साल बाद भी बढ़ सकता था, 19 में बढ़ सकता था, 20 में बढ़ सकता था, लेकिन टकराव की स्थिति अपनाई गई, टकराव ही अपनाया गया। जो चीजें पहले भी हल हो जाती यदि सरकार से मिलकर बातचीत करके एक सौहार्दपूर्ण माहौल में चीजें हल की गई होती, तो अब वो वातावरण धीरे धीरे बन रहा है और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम सब लोगों के प्रयास, हमारे शिक्षा मित्र भाइयों को भी, अनुदेशकों को भी, इनको भी थोड़ा प्रयास करना होगा, 2 कदम ये चले, 2 कदम हम चले, इस तरह से धीरे धीरे चीजें ठीक होंगी और माहौल ठीक होगा तो चीजें और जो रह जाएंगी समस्या वो भी हल होंगी, धीरे धीरे उन सबका समाधान होगा, मैं ये अपना कह सकता हूँ। साथियों, साभार सौजन्य से TV9 आप सुन रहे थे श्रीमान वरिष्ठ पत्रकार, जाने माने देश के पुरोधा पत्रकार अमिताभ श्रीवास्तव जी और माननीय विधायक जी की वार्ता। आप अनुदेशक न्यूज पर आपने देखा किस तरीके से अनुदेशक शिक्षा मित्र शिक्षकों के प्रति वो सजग हैं और जो गलतियां हुई हैं उस पर पर्दा डालते हुए अब पुनः एक नई शुरुआत करते हुए उनके भविष्य को सुरक्षित कराने हेतु माननीय विधायक जी एक सच्चे इंसान के रूप में, एक विधायक जी हैं, वो प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो तो अलग बात है, लेकिन एक बेहतरीन व्यक्तित्व के मालिक कैसे लोग होते हैं वो माननीय विधायक जी के अंदर से छलकता है। वो किस तरीके से चाहते हैं कि पुल का काम हो उनके माध्यम से और समस्याओं का समाधान हो, वो जानते हैं। इनकी समस्याएं बहुत गंभीर हैं, ये अत्यंत टूट चुके हैं शिक्षा मित्र अनुदेशक रसोईया, ये अब इनको एक नई ऊर्जा, नई उमंग और नई दिशा मिलना चाहिए। हम अनुदेशक न्यूज़ की पूरी टीम की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम करते हैं माननीय विधायक जी के लिए और उनकी सरकार के लिए और माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए कि वो दयालु हैं, कृपालु हैं, करुणा के सागर हैं, हमें पता है। नाराज रहते हैं, अब वो नाराज़गियाँ सब दूर हो जाएंगी क्योंकि अब सभी दामन पसारे माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ देख रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी भी समझ रहे हैं कि ये हमारे अपने ही हैं और सुबह का भूला अगर शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने समझ लिया है। इसी को ध्यान में रखते हुए साथियों, सब्र रखें, धैर्य रखें, आपके दिन उज्जवल होंगे, आपका टाइम आएगा। हम ये ईश्वर से बस प्रार्थना करते हैं लगातार, आप लोग भी ईश्वर से प्रार्थना करिए कि जो भी हो जल्द हो, अच्छा हो, आपके भविष्य को लेकर हो, नौनिहालों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए हो, बेहतरीन शिक्षा व्यवस्था आप देश दे पाएँ बिना किसी तनाव के, ऐसी हम ईश्वर से कामना करते हैं। आप सभी से पुनः एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा दोस्तों, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो, और साथ ही कमेंट भी करते रहिए, साथ देते रहिए, क्योंकि हम हैं आपके संघर्ष के सच्चे साथी। मैं डीके देव आपके साथ मिलते हैं किसी और जल्द अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।